Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. गुनू जी और द्वारिका अपनी हार में भी जीत का नया रास्ता ढूंढ रहे हैं दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो हारते नहीं है ये लोग, हार जाएं, षड्यंत्र फेल हो जाएं, स्कीम नाकामयाब हो जाए, मगर हार नहीं मानते हैं। ऐसे ही कुछ बातचीत करते हुए दिखाई दिए दोनों सासूबाई और जवाई साहिब, और जमुना एज यूजुअल खुश, पीछे से हारे चाहे जीते उसके एक ही एक्सप्रेशन रहते हैं, खुश कि वाह वाह क्या रानी है हमारी। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इतनी देर से हमने नहीं देखा था गुन्नू जी और द्वारिका को साथ साथ। दोनों अपने अपने तरीके से अपनी अपनी जगह पे लड़ाई लड़ रहे थे। द्वारिका घर के अंदर जैसे कि पार्वती को भड़काना, गौतमा के साथ बातें करना और पूरा शादी का प्रपंच रचना जो कि खत्म हो गया। इधर गुन्नू जी का भी खत्म हो गया। गुन्नू जी ने रेणुका वाला केस लिया, कैलाश को अंदर लेके आए और बहुत कोशिश की कि अहिल्या और खंडेराव के बीच में दूरियां पैदा हों। और इधर द्वारिका ने पूरी कोशिश की कि पार्वती आए और दोनों में दूरियां पैदा हों, मगर दोनों ही नाकामयाब खिलाड़ी बैठे हैं एक कमरे में और एक ही उनकी प्रशंसक वहां पे खड़ी है जो है जमुना, जो हमेशा ऐसे ही रहती है खुश है ना। तो वहां पे जो चर्चा चलती है और चर्चा में ये निकलता है कि जो द्वारिका है वो भी एक तरह से हारी हुई है कि मैंने तो अब जितना सिखाना था पार्वती को सिखा दिया, मगर ये तो उल्टा ही असर हो रहा है। तो इनको ये देखना चाहिए कि अंदर टटोलिए अपने आप को कि आप अच्छा तो नहीं कर रहे हो, तो अच्छा कैसे होगा आपके साथ, उल्टा ही तो होगा ना, क्योंकि उनके बीच का प्यार आप कैसे खत्म कर सकते हो। थोड़ी देर के लिए आप जीत का जश्न मना सकते हो मगर प्रोलोंग नहीं होगा ये। वही हुआ इधर गुन्नू जी के साथ भी वही हुआ, मगर गुन्नू जी थोड़े अलग किस्म की सोच रखते हैं। उन्होंने अपनी सासूबाई को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाने की कोशिश की कि डोंट वरी सासूबाई, इसमें हम ऐसा करेंगे कि यही चीज को, यानी कि ये जो नई वीकनेस पता चली है खंडेराव की कि वो अहिल्या के प्रति बहुत ज्यादा चिंतित हो गया है उसकी गर्भावस्था की वजह से और दो दिन दरबार भी नहीं आया है, तो ये जो खंडेराव की नई वीकनेस पता चली है अहिल्या को लेके, इसी को हम अपना हथियार बनाते हैं। तो उस हथियार को यूज करेंगे, अहिल्या को तो धीरे धीरे जो है गर्भावस्था में टाइम लगेगा ही लगेगा, उसका दरबार आना कम होगा ही होगा, और इधर खंडेराव के मन में उसकी चिंता बढ़ाते जाएंगे, वो उसके पास जाएंगे, दरबार नहीं आएंगे तो गद्दी कौन संभालेगा, मैं ही तो संभालूंगा। पार्वती को यहां ये लोग बिल्कुल भूल गए, जो नया हथियार इन्होंने छोड़ा था। अब ये स्कीम भी उनकी कामयाब तो होगी नहीं, क्योंकि मल्हार सरकार भी है यहाँ पे, मल्हार सरकार अहिल्या को बहुत मानते हैं, उनके बिना, अहिल्या के बिना वो अपने राज को अब देख भी नहीं सकते हैं। उनको नहीं लगता कि कोई भी शासक जो इस गद्दी पे बैठ के मेरी तरह न्याय कर सकता है, उनको कोई नहीं दिखता है। तो ये जो नए नए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं ना ये दोनों, ये खंडेराव की नई वीकनेस का फायदा उठाएंगे और राज करेंगे हम लोग, वो भी नाकामयाब ही होने वाली है। ऐसे ही फिर अपना अपना सर पकड़ के बैठेंगे और जमुना एज यूजुअल मुस्कुरा रही होगी। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिए, देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।